अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्ताने मोहतरम, मैं हूँ आपका भाई मुकर्रब रज़ा नगमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बख़ैर होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह से खुश रखे, आबाद रखे। नाज़रीन इकराम, हमारे भारत यानी कि हमारे मुल्क अज़ीज़, हमारे हिंदुस्तान में आवाज़ का जादू सर चढ़ कर बोलता है। टैलेंट, ऐसे से टैलेंडर आवाज़ वाले, ऐसे से सिंगर, ऐसे से शायर, ऐसे से नातख़्वां हिंदुस्तान में पड़े हैं, लेकिन वो गोल हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है, कोई पूछ नहीं है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, एक मैं आपको एक बुज़ुर्ग जो रोटों पर भीख मांगते हैं और भीख मांग कर अपना ख़र्चा चलाते हैं, और उनको किसी शख्स ने देख लिया या गुनगुना रहे हैं, तो एक शख्स ने उनको माइक दे दिया। जब माइक दिया है तो इतना अच्छा पढ़ा है, इतना लाजवाब पढ़ा है कि उनके पास मुशायरों के ऑफ़र आने लगे, कव्वालियों के ऑफ़र आने लगे। जी हाँ दोस्ताने मोहतरम, तो इतना टैलेंट, इतनी दमदार आवाज़, इतनी ख़ूबसूरत आवाज़, इतनी बढ़िया मीठी आवाज़, दिलकश आवाज़ आपने कहीं नहीं सुनी होगी। आपने असद इकबाल को सुना, उवैस रज़ा कादरी साहब को सुना, ताहिर रज़ा कादरी साहब को सुना है, और हिंदुस्तान के जितने भी शोरा हैं आपने सभी को सुना है, लेकिन इन हमारे बुज़ुर्ग को आपने नहीं सुना होगा। इनकी आवाज़ में इतनी लज्जत और इतनी मिठास है कि आप सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। इनको इतना फेमस करना चाहिए ताकि बेचारे ये भीख जो मांग रहे हैं बुढ़ापे पर, ये भीख मांगना ये बंद कर दें, ये मजदूरी बंद कर दें, और लोग इनको मुशायरे में बुलाएं, लोग इनको जलसे में बुलाएं, लोग इनको कंपटीशन में बुलाएं, और उसमें जो इनको पैसा मिलेगा, इनाम मिलेगा, उनसे इनका घर चलेगा। अगर वाकई आपको दर्द है और वाकई आपको बूढ़े लोगों से प्यार है तो इस क्लिप को पूरा सुनने के बाद ज़रूर अपने लोगों में शेयर करना। आइए पहले इनको सुनते हैं। दिल की हसरत ये डालो शाहे रहमानी, मुझको तैबा में बुला लो शाहे रहमानी, नगर नगर और डगर डगर फिरता हूँ मारा मारा, नगर नगर और नगर नगर फिरता हूँ मारा मारा, मुझ दुखिया का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा, मुझको सीने से लगा लो शाहे ज़मानी, मुझको सीने से लगा लो शाहे ज़मानी, मुझको तैबा में बुला लो शाहे। जी हाँ नाज़रीन इकराम, देखा आपने कितनी लज्जत है, कितनी मिठास है, कितनी तड़प है, कितनी चहक है इस बूढ़े की आवाज़ में। ये बूढ़े मियाँ, अल्लाह इनको और हौसला दे, अल्लाह इनकी जिस्म में ताकत अता फरमाए, और इनकी मुशायरों के सदक़े और इनकी नात के सदक़े में अल्लाह इनके कारोबार में बरकतों का नज़ूल फरमाए। फ़िलहाल इस ख़बर में इतना ही। आने वाली ख़बर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हिंदुस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।